अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ महारानी चिकन। चलिए बनाना शुरू करते हैं। पहले मैंने लिया है 2 टीस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 2 सूखी मिर्चें, 1 टीस्पून सौंफ, 1 जौत्री, 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, बड़ी इलायची 1, 7 छोटी इलायची और 1 तेज़पत्ता। अब इन सभी मसालों को हमें रोस्ट यानी भून लेना है 2 मिनट के लिए। जब ये अच्छे से रोस्ट हो जाए तब इन्हें ग्राइंड करके इसका एक दरदरा सा पाउडर बना लेना है। देखिए पाउडर बनकर रेडी है। अब मैंने 1/2 केजी चिकन लिया है, उसमें शामिल करेंगे 2 टीस्पून के करीब जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून विनेगर, 5 टीस्पून दही, 1/4 टीस्पून। जब ये मिक्स हो जाए तब इसमें 1/4 टीस्पून के करीब गरम मसाला शामिल करें और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लें। जब ये मिक्स हो जाए तब इसे ढककर 1 घंटे के लिए छोड़ दें रेस्ट के लिए। अब मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिया है, जैसे काजू 1 टेबल स्पून, बादाम 5 पीस, मगज 1 टेबल स्पून के करीब और सफ़ेद तिल 1 टीस्पून के करीब, और थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक फाइन सा पेस्ट बना लेना है। अब एक पैन ले लें, उसमें 1/2 कप के करीब ऑयल डालें। जब ऑयल गर्म हो जाए तो उसमें 1 तेज़पत्ता डाल दें, उसमें 2 मीडियम साइज़ बारीक कटी हुई प्याज शामिल करें और इसे फ्राई कर लें। जब ये ट्रांसल्यूसेंट सा दिखने लगे तब इसे ढककर 5 मिनट के लिए पकने दें लो फ्लेम में, ताकि प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। देखिए हमारी प्याज सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन शामिल करें और इसे भून लें।
इसे 10 मिनट के लिए ढककर पकने दें। अब इसे भूनते रहें जब तक चिकन हाफ कुक ना हो जाए। अब मैंने तेज़पत्ता निकाल लिया है क्योंकि इसके अंदर तेज़पत्ते की खुशबू आ चुकी है। देखिए, अब हम वो मसाला शामिल करेंगे जो मैंने पहले पीस ली थी। अब चम्मच चलाते रहें और भूनते रहें। अब इसमें हाफ टी स्पून के करीब नमक शामिल करें और इसमें हाफ कप धनिया का पत्ता शामिल करें और चम्मच चलाते रहें। अब इसमें ड्राई फ्रूट्स वाले पेस्ट शामिल करें और इसे अच्छे से मिक्स करनी है। जब ये मिक्स हो जाए तब इसमें 1 कप के करीब पानी डालें और इसे ढककर पकने दें 10 मिनट के लिए लो फ्लेम में। अब 10 मिनट के बाद इसमें शामिल करें 2 हरी मिर्च, जीरा लगी हुई और इसमें 1 टीस्पून के करीब कसूरी मेथी शामिल करें और इसे अच्छे से मिक्स करनी है। जब ये मिक्स हो जाए तब इसमें इसे 2 मिनट के लिए ढककर पकने दें। देखिए, हमारी महारानी चिकन बनकर रेडी है। इसे आप नान के साथ, पूरी के साथ या लच्छा पराठा के साथ खा सकते हैं। हमारे घर पर तो इसे लच्छा पराठा के साथ पसंद किया जाता है। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो। अगर रेसिपी पसंद आई तो मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।